ऑफिशियल रिल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे मध्य प्रदेश वर्ग 3 परीक्षा का जो आप लोगों की पल पल की अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी को बताया है कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 टेट की जो परीक्षा है उसके पोस्टपोन को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर क्या मध्य प्रदेश वर्ग टेट 3 की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन कर दी जाएगी, तो क्या कुछ अपडेट है हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे सभी से निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग अभ्यर्थी नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मध्य प्रदेश वर्ग टेट परीक्षा की संपूर्ण अपडेट के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 2024 की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक में आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। 3000 से अधिक बहुगी वैकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, 400 पेपर देखने को मिलेगा और यह पुस्तक पूरी आपकी नवीनतम पाठ्यक्रम पर सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप लोग इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप लोग नजदीकी कॉपी किताब पर आप लोग इस बुक को खरीद सकते हैं, चक्षु प्रकाशन की इस बुक को। और सबसे खास बात यह है कि चक्षु प्रकाशन की एमपी टेट की वर्क 3 स्टडी गाइड के साथ आपकी इंडिविजुअल बुक भी आती है, गणित की, इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की, पर्यावरण अध्ययन की, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। इंडिविजुअल बुक को खरीद करके आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं। बड़ा जो क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा था कि मध्य प्रदेश वर्ग टेट 3 की जो परीक्षा है ये हम लोगों की पोस्टपोन होनी चाहिए, क्योंकि तैयारियों का बिल्कुल भी कम समय मिला था और कहीं ना कहीं आयोग की भी उतनी तैयारियां प्रॉपर थी नहीं, जिसके कारण आप लोगों का एग्जाम इतनी जल्दी कंडक्ट करा पाए। ठीक है, तो जो सूचनाएं निकल की आ रही कि अब आप लोगों का एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस ज्यादा बन गए हैं, क्योंकि सेंटर अलॉटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर सेंटर खाली नहीं है, जिसके कारण आप लोगों का एग्जाम डिले हो सकता है। ठीक है, बहरहाल आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों का एग्जाम पोस्टपोन हो या फिर नवंबर में ही आप लोगों का एग्जाम हो जाए, जो भी अपडेट होगी हम आपको चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखिए जय हिंद जय भारत।